नमस्ते, मैं चैताली मुड़ी पकवान में आप सबका स्वागत करती हूँ। तो आज हम देखने जा रहे हैं दो इंस्टेंट केक की रेसिपी। इसे बनाना इतना आसान है कि कोई बच्चा भी ये केक बना सकता है और सिर्फ 2 से 3 इंग्रेडिएंट्स में ये केक बनके तैयार होता है। तो इससे पहले भी मैंने केक की रेसिपी शेयर की है, उसे भी आप आसानी से बना सकते हैं। लेकिन आज क्रिसमस है और अगर आपके बच्चे ने डिमांड की तो आप ये इंस्टेंट केक फटाक से बना सकते हैं। तो चलिए हमारी रेसिपी देख लेते हैं। चॉकलेट केक बनाने के लिए हम कौन से भी ब्रांड के बिस्किट ले सकते हैं। तो यहाँ मैंने बोर्बन बिस्किट का पैकेट लिया है और उसमें से जो क्रीम रहती है वो पहले हम निकाल लेंगे और बिस्किट को मोड़ के मिक्सर जार में डाल देंगे। ऐसे ही पूरे बिस्किट के साथ हमें कर लेना है। तो पूरे बिस्किट्स की हम क्रीम निकाल लेते हैं और जो बिस्किट्स है उन्हें ब्रेक करके मिक्सर के बाउल में रख देंगे। ये क्रीम बाद में हम यूज करने वाले हैं, तो ये क्रीम हमें बाजू में रख देना है। तो अब इन बिस्किट को हम मिक्सर जार में घुमा लेते हैं और फाइन पाउडर बना लेते हैं। तो देखिए पाउडर बनके तैयार है। तो अब हम इस पाउडर को एक बाउल में निकाल लेते हैं और फिर थोड़ा थोड़ा दूध ऐड करके इसका बैटर बना लेते हैं। जब हम बिस्किट से केक बनाते हैं तब हमें बैटर जो है वो बहुत ज़्यादा रनी नहीं चाहिए, हमें थोड़ा सा गाढ़ा ही रखना है बैटर को, जिससे अच्छा सा स्पॉन्ज केक बन जाएगा। तो अब मैं इसमें थोड़ा थोड़ा दूध ऐड करके इसका बैटर बना लेती हूँ। तो देखिए बैटर बनके तैयार है। टोटल 1 कटोरी दूध लगा है हमें इस बैटर को बनाने के लिए। तो अब जो इनो की पुड़िया आती है उसमें से 1/2 चम्मच यानी 1/2 इनो हम निकाल लेंगे और इस बैटर में डाल देंगे। इनो के ऊपर हम थोड़ा सा पानी या दूध डाल देंगे जिससे ये इनो एक्टिवेट हो जाएगा और फिर इसे फटाफट मिक्स कर देते हैं। मिक्स करते ही इसमें बबल्स आ जाएंगे, तो बैटर को हमें इनो को ऐड करने के बाद बाहर ज़्यादा नहीं रखना है। तो ऐसा टिब्बा हर घर में होता है, तो आप केक टिन का भी यूज कर सकते हैं, नहीं तो ऐसे किसी भी स्टील के डिब्बे का यूज कर सकते हैं। डिब्बे में हमें बटर पेपर डाल देना है और उसमें बैटर को अच्छे से सेट कर देना है और फिर इस डिब्बे को हमें प्री हीट किए हुए कढ़ाई में या कुकर में रख देना है। तो यहाँ मैंने कढ़ाई को प्री हीट कर लिया है। अब मैं इस डिब्बे को इस कढ़ाई में रख देती हूँ। तो कढ़ाई के ऊपर हमने स्टैंड रखा है, उसके ऊपर ये डिब्बा रखना है और फिर ढक के इसे 35 से 40 मिनट तक अच्छे से बेक होने देना है। लो फ्लेम पे हमें बेक कर लेना है। तो पहले हम टूथपिक या नाइफ डाल के चेक कर सकते हैं। तो देखिए नाइफ क्लीन आ गया है, यानी केक हमारा अच्छे से बेक हो गया है। तो अब हमने जो क्रीम निकाल के रखी थी उसे मेल्ट कर लेते हैं। तो मेल्ट करने के लिए हमें एक बर्तन में पानी को गर्म कर लेना है और उसके ऊपर कांच का कोई भी बाउल रखना है और उसमें क्रीम को मेल्ट कर लेना है। तो देखिए आसानी से ये क्रीम मेल्ट हो गई है। तो अब हम गैस का फ्लेम बंद कर लेंगे और तब तक जो केक है उसे भी डीमोल्ड कर लेते हैं। देखिए कितने आसानी से ये केक डीमोल्ड हो गया है। बटर पेपर को भी हम निकाल के देख लेते हैं तो वाव, कितना अच्छा स्पॉन्ज आया है केक को, बहुत ही फ्लफी बना है, हल्का भी बन गया है ये केक। बड़ी ही आसानी से ये बिस्किट केक बन जाता है और किसी को यकीन नहीं होगा कि ये आपने बिस्किट से बनाया है। तो अब हम इसे 2 पार्ट्स में काट लेते हैं और इसके किनारों को काट के इसे पेस्ट्री का शेप दे देते हैं। तो फिर हम इसे बीच में से काट लेंगे और इसके 2 पार्ट्स बना लेंगे। अब जो क्रीम हमने बना ली थी उसे एक पार्ट में स्प्रेड कर लेते हैं। तो बीच में हम थोड़ी सी क्रीम डाल देंगे और इसे अच्छे से इवन स्प्रेड कर देंगे। जो बचा हुआ केक का पार्ट है उसे भी ऊपर से रख देंगे और उसके ऊपर भी क्रीम लगा लेंगे। तो देखिए ये हमारी इंस्टेंट पेस्ट्री बनके तैयार है। ना कुछ ज़्यादा सामान लाने की ज़रूरत है, बड़े ही आसानी से अवेलेबल ऐसे एक बिस्किट के पैकेट से हमने पेस्ट्री बना ली है। तो इस क्रिसमस या न्यू ईयर को आप इस पेस्ट्री को ज़रूर बनाना और अच्छी बनी तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। तो अब हम मारी बिस्किट से भी केक बना लेते हैं। तो यहाँ मैंने 15 बिस्किट्स लिए हैं मारी के और इन्हें मैं ब्रेक कर लेती हूँ और फिर हमें इन्हें भी मिक्सर के जार में डाल के इसका फाइन पाउडर बना लेना है। तो मैं इसे मोड़ लेती हूँ और फिर हम इसे मिक्सर के जार में घुमा लेंगे। तो देखिए फाइन पाउडर बनके तैयार है। अब बाकी के जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो भी हम इसी मिक्सर के जार में डाल देंगे।
तो मैं यहाँ पे 3 टेबलस्पून पाउडर शुगर ऐड कर रही हूँ, क्योंकि ये हमारे बिस्किट ज़्यादा स्वीट नहीं रहते हैं, इसलिए हम शुगर थोड़ी सी ऐड करेंगे। और 3/4 बाउल मिल्क थोड़ा सा हम पहले ऐड कर देंगे, और फिर 2 चम्मच रिफाइंड ऑयल भी डाल देंगे, क्योंकि ये बिस्किट थोड़े से ड्राई रहते हैं, इसलिए मॉइस्चर लेवल मेंटेन रहने के लिए हम थोड़ा सा बटर या तेल इसमें डाल देंगे। तो बैटर बनके तैयार है, हम इसे एक बाउल में निकाल लेते हैं। तो जो 1/2 टेबल स्पून इनो बच गया था वो भी अब हम इसमें डाल देंगे, और इनो के ऊपर थोड़ा सा पानी या दूध डाल के इसे फटाफट मिक्स कर देंगे। यहाँ पे मैंने कुछ ड्राई फ्रूट्स लिए हैं, आप अपने हिसाब से कोई भी ड्राई फ्रूट्स ले सकते हैं। मैंने थोड़ी सी टूटी फ्रूटी भी ली है, इसे भी मैं अच्छे से मिक्स कर देती हूँ। और यहाँ पे मैं कटोरी के केक बना रही हूँ, इसलिए कटोरी को अच्छे से तेल से ग्रीस कर लिया है, और ये जो बैटर है वो 1/2 कटोरी मैं इसमें डाल देती हूँ। ज़्यादा नहीं डालना है, क्योंकि केक फूल जाता है तो वो बाहर आ सकता है। और थोड़े से ऊपर से ड्राई फ्रूट्स भी डाल के इसे अच्छे से सेट कर देना है। तो यहाँ पे कढ़ाई को मैंने प्री हीट कर लिया है, स्टैंड के ऊपर ऐसे एक प्लेट रखनी है और उसके ऊपर ये कटोरियाँ रख देनी है, और फिर से इसे 35 मिनट्स तक बेक होने देना है लो फ्लेम पे। तो देखिए ये केक बनके तैयार है, नाइस भी क्लीन निकल के आया है, केक अच्छे से बेक हो गया है। तो इसे भी हम ठंडा करके डिमोल्ड कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे कटोरी का जो केक है वो भी कितनी आसानी से बाहर निकल के आया है, बहुत ही स्पॉन्जी बना है, अच्छे से फूल गया है। तो आप इसे भी आसानी से बना सकते हैं। अगर आपको मेरी ये दोनों भी केक की रेसिपी पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना, लाइक करना, शेयर करना। फिर मिलते हैं ऐसे ही इंटरेस्टिंग रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।